नमस्कार, मैं अर्चना सोलंकी, मैंने हल्दुरी ब्रांड साइंस क्लासिक की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तकनीक विकास के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी मुख्य विषय के साथ आयोजित डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई 2019-20 के विज्ञान गणित प्रदर्शन में मेरी सलाह ने 5A में वायु परिवहन और प्रत्यय में एक्सीडेंट प्रिवेंशन और इमरजेंसी लैंड प्रोजेक्ट रजू किया है, जिसकी मैं और मेरी सभी विस्तार से समझाएगी। दिन-ब-दिन की जिंदगी में वाहनों की संख्या बहुत बढ़ रही है, साथ ही साथ होते अकस्मात की संख्या भी बढ़ रही है। उनमें से कई अकस्मात आगे जाने वाले वाहनों की गलत तरीके से ओवरटेक करने के कारण होते हैं। जनरली कोई भी 4-लेन या 6-लेन हाईवे की डायो शोल्डर रूल या इमरजेंसी ट्रैफिक लाइन बनाया होता है। 4-लेन इमरजेंसी ट्रैफिक लाइन की चौड़ाई 4 फुट या 1.2 मीटर जितनी होती है और 6-लेन इमरजेंसी ट्रैफिक लाइन की चौड़ाई 10 फुट या 3 मीटर जितनी होती है। इमरजेंसी ट्रैफिक लाइन सलाम सफेद पत्ते से रंगा होता है। जनरली यह लेन बनाने का कारण इमरजेंसी वाहन जैसे कि एम्बुलेंस, फायर फाइटर, पुलिस गाड़ी, झड़प से पसार होने वाले वाहन इस लेन का उपयोग करते हैं। इस उपरांत अचानक बिगड़ा हुआ और किसी और कारण से रुका हुआ वाहन खड़े रहने के लिए इस लेन का उपयोग करते हैं। कई बार ट्रक के कोने वाहन चालक को रात होते नींद आती, तभी उनके पास हाईवे पर गाड़ी रोकने या गाड़ी पार्क करने की जगह होती नहीं है, तभी भी अपने वाहन इमरजेंसी लेन पर पार्क करके कैबिन में सो सकते हैं। लेकिन दूसरे देशों में इमरजेंसी लेन में वाहन पार्क करना गुनाह माना जाता है। अपने देश में जब रोड पर ज्यादा ट्रैफिक होता है तब वाहन चालक जल्दबाजी में अपने आगे जा रहे वाहन की ओवरटेक करने के लिए इस इमरजेंसी लेन का उपयोग करते हैं। इमरजेंसी लेन पर बिगड़ा हुआ और दूसरे कारण से रुका हुआ वाहन ओवरटेक करने वाले को अंत तक दिखाई देता नहीं है। ओवरटेक करने वाले वाहन की गति दूसरे वाहन से ज्यादा होती है। अचानक हुई परिस्थिति के कारण वाहन चालक अपना कंट्रोल घुमा देते हैं और अकस्मात होता है, जिसमें काफी नुकसान होता है। त्रुटि तैयार करने का हेतु इमरजेंसी लेन पे ओवरटेक के कारण होते अकस्मात में कटौती करना। सड़की तैयार करने पद्धति एक्सीडेंट प्रिवेंशन और इमरजेंसी लेन प्रोजेक्ट की सड़की निर्माण करने पे पीसीबी पे भिन्न भिन्न भागों को जोड़कर सड़की तैयार करते हैं, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर, ट्रांजिस्टर, डीसीआरए मोटर, एलईडी कैपेसिटर जैसे भागों का उपयोग करते हैं। कार्य पद्धति, ये सर्किट पावर सप्लाई चालू करते ही नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी चालू होती है। जब गाड़ी मुख्य लाइन पे चलती होगी और उसके पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो उसे ओवरटेक करना हो तो आसानी से ओवरटेक लाइन में से ओवरटेक कर सकेगी, लेकिन उसी लाइन में से दूसरी गाड़ी आएगी तभी उसके पास ओवरटेक करने की जगह रहेगी नहीं, इसलिए वो ओवरटेक इमरजेंसी लाइन पे करेगा। इमरजेंसी लाइन पे लगा हुआ चुंबक वाहन में लगा हुए सेंसर को नजदीक लाएगा। नजदीक लाते ही वाहन की स्पीड कम हो जाएगी और वह कम स्पीड से ओवरटेक कर सकेगा नहीं। अचानक अकस्मात सजाते है और सजाने की घटना कम हो जाती है, इसलिए वाहन चालक को ओवरटेक करने के लिए मुख्य लाइन या ओवरटेकिंग लाइन का उपयोग अवश्य करना पड़ता है। व्यवहारिक उपयोगिता एक्सीडेंट प्रिवेंशन और इमरजेंसी लेन के कारण हाईवे पे अकस्मात कम किया जाता है। सभी सर्किट गाड़ी में लगाई हुई बैटरी कार्य करती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बढ़ती पावर सप्लाई की जरूरत रहती नहीं और सर्किट निर्माण के लिए उपयोग में लिया हुआ साधन प्रमाण में सस्ते होते हैं। अब हम मुख्य बात समझेंगे। ये सलंग सफेद पट्टा है वह इमरजेंसी लैन, यह मुख्य लैन, ये ओवरटेकिंग लैन। सलंग सफेद पट्टा दर्शाता है कि कोई गाड़ी इधर से ओवरटेक कर सकेगी नहीं, और ये छोटे छोटे टुकड़े दर्शाते हैं कि कोई गाड़ी को इधर से ओवरटेक करना हो तो वो कर सकती है। जनरली हमारे देशों में डायर वाहन चलने का नियम है, जब कोई गाड़ी मुख्य लाइन पे चलती होगी और उसके पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो उसे ओवरटेक करना हो तो वो आसानी से ओवरटेकिंग लाइन में से ओवरटेक कर सकेगी, लेकिन उसी लाइन में से दूसरी गाड़ी आएगी तभी उसके पास ओवरटेक करने की जगह रहेगी नहीं, इसलिए वो ओवरटेक इमरजेंसी लाइन पर करेगी और इमरजेंसी लाइन पर बिगड़ा हुआ वाहन उसे दिखाई देगा नहीं, इसलिए अकस्मात होगा। लेकिन हमारी बताई हुई सर्किट जो इस वाहन में लगाई होगी तो वो इमरजेंसी लाइन को ओवरटेक करते ही इमरजेंसी लाइन पे लगा हुआ चुंबक वाहन में लगा हुआ सेंसर को नजदीक लाएगा। नजदीक लाते ही वाहन की स्पीड कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये वाहन की स्पीड कम हो जाए कर रही है और ये आवाज बढ़ रहा है, इसलिए आपको तो पता ही होगा कि कौन स्पीड से हम ओवरटेक कर सकते हैं नहीं। ओवरटेक करने के लिए हमें स्पीड ज्यादा हो रखनी चाहिए, इसलिए वाहन चालक को ओवरटेक करने के लिए मुख्य लाइन
या और टेकिंग लेंथ पे वापस आना पड़ेगा। और वापस आते ही थोड़ी देर में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो बढ़ रही है। इमरजेंसी लैंड में एम्बुलेंस, फायर फाइटर और पुलिस के उपयोग के लिए होता है, लेकिन यह सब किट इस वाहन में लगाई होगी तो इस लैंड पर वह झड़प से जा सकेंगे नहीं। उनको जब इमरजेंसी होगी तब उनकी गाड़ी में एक ज्यादा स्विच होगी जिसे ऑन करते ही उनकी झड़प में किसी भी प्रकार का फर्क दिखाई देता नहीं और वह झड़प से बचा हो सकेगी। अभी आपके मन में हो कि इस सर्किट में कोई छेड़छाड़ करे कि वायर कट करे तो कैसे पता चलेगा कि सर्किट चालू है, ऑन है कि बंद, तो ट्रैफिक पुलिस के पास एक ऐसा साधन होगा जैसे कि ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस, PUC आदि चेक करते हैं। ऐसे ही इस सर्किट को भी चेक करेगी। वाहन में लगा हुए सेंसर के नीचे लगाते ही हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये सर्किट चालू है कि बंद। धन्यवाद।